हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूविंग को प्रूफ करेंगे। तो आज हम लोग को दोस्तों प्रूफ करना है बच्चों, 1 + tan² a 1 + sec a। तो कैसे प्रूफ करते हैं उसके लिए आपको शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखनी होगी, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये मेथड बहुत ही ईजी होगा और आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए, यहां पर पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, 1 + tan² a अपॉन, और इसको हम यहां पे लिख लेंगे sec a प्लस का 1। इसको लिख लेंगे, अभी मैं आपको रीजन पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। ओके, और हम लोग को अब यहां पे इसको प्रूफ करना है sec a के इक्वल। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपका sec a प्लस 1 है ना, इसको ऊपर नीचे रेशनलाइज करते हैं। अब रेशनलाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए कि रेशनलाइज का मतलब है, अगर कहीं पर 1 अपॉन का a प्लस बी लिखा है तो इसको उसके बीच वाले अपोजिट साइन से, यानी इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल लगा है, इसकी अपोजिट साइन से यानी a माइनस बी से उसके न्यूमरेटर को भी और उसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी से। ओके, इसके माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, ये तो ऊपर हो जाएगा माइनस ए बी, और नीचे हो जाता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास अगर 1 अपॉन का sec a प्लस 1 है तो इसको हम लोग इसके पॉजिटिव बीच के अपोजिट साइन, इसका अपोजिट क्या है, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कहीं पे निगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव से कर देते हैं, मगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ पे निगेटिव का साइन लेंगे, यानी sec a माइनस का 1 नीचे भी और sec a माइनस का 1 ऊपर भी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका sec a माइनस 1, और एक जगह हो जाएगा आपका sec स्क्वायर a माइनस का 1। क्लियर है ये इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 1 + tan, यहां पर आपको पता है ना कि sec स्क्वायर a प्लस 1 कैसे आया, यहां पर a प्लस बी आपको पता होगा, और a माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर पे। तो यहां पर दोस्तों ये ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी था, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया। इसी तरह से sec स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक, क्योंकि sec स्क्वायर ए और ये स्क्वायर ही रहेगा आपका, तो बाद में ये यही चेंज हो जाएगा आपका sec स्क्वायर ए माइनस का 1, क्योंकि 1 को जितनी बार स्क्वायर करे 1 ही आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस का 1। यहाँ पे मैंने रेशनलाइज कर लिया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आप भी साइड में कर दीजिएगा, ठीक। चलिए मैं आपको यहाँ पर फॉर्मेट बता ही देता हूँ ना, फॉर्मेट में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जो शुरू में इनिशियल स्टेज में आ जाता है मगर उनको समझ में नहीं आता कि कैसे उसका फॉर्मेट बना के लिखे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। तो फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, 1 + tan² a को हम लिखेंगे अपॉन sec a प्लस 1 है यहाँ पर, और इसके अपोजिट साइन से यानी sec a माइनस 1 से नीचे वाल और sec a माइनस 1 से ऊपर वाल मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम लोग 1 + tan² a को लिख लेंगे और sec a माइनस का 1, और अपॉन का नीचे वाल हो जाएगा आपका sec a, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर ये sec a लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर a माइनस का 1। इसी तरह से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि sec² a माइनस का 1 sec² a माइनस का tan
स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है। अगर हम इस माइनस के टैन स्क्वायर को उधर ले जाएं और वन को इधर ले आएं तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का वन इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। तो यहां पर भी देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस का वन लिखा है। हाँ, तो अगर हम यहां पर टैन स्क्वायर लिख दें, चलिए हम लोग पुट करते हैं यहां पर आपका टैन स्क्वायर है, तो देखिए क्या होता है। तो ये वन प्लस का टैन स्क्वायर ए, यहां पर अंदर वाले ब्रैकेट में है सेक ए माइनस का वन अपॉन का, यहां पर अब हम लोग इस सेक स्क्वायर यहां पर लिख लेंगे टैन स्क्वायर ए, और ये टैन स्क्वायर से ये टैन स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, कट हो जाएगा, और इसलिए यहां पे अंदर वाल ऊपर वाल बचेगा वन प्लस का सेक ए माइनस का वन, ये प्लस का वन ये माइनस का वन दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और ये वहां पे बच जाएगा आपका सिर्फ सेक ए। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहां पर सेक ए को प्रूफ कर दिया है। यहां पर हमने जो एल एच एस है ओके उसको आर एच एस के इक्वल प्रूफ कर दिया है। ठीक, तो आई होप दोस्तों ये जो प्रूविंग है आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस तरह की प्रूविंग ट्रिग्नोमेट्री में आती रहती है और बट नेचुरल आपको इस पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक बार वीडियो देख ली आगे ये वीडियो देखिए, और भी मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी है, ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में जाइए या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरी ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी प्रूविंग आपको मिल जाएगी। पहले खुद से प्रैक्टिस करिए, ना निकले तो हमारी वीडियोज़ देखिए ओके, और फिर से प्रैक्टिस करिए, और मेरी वीडियोस तो हेल्प करने के लिए आपके लिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपके डाउट्स है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप करके पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।